दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चों, भाइयों, बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आपको और भी खुश रखे, दीनों दुनिया की दौलत से मालामाल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अभी दो तीन दिन से एक वीडियो वायरल हुई, बरेली शरीफ की एक इफ्रा नाम की लड़की ने मज़हब इस्लाम को छोड़कर एक हिंदू लड़के से शादी की, गैर मुस्लिम से शादी की, और उससे पूछा गया। असल में इस वीडियो को हो सकता है आपने देख भी लिया हो, लेकिन मैं इस टॉपिक पर कुछ और इसको लेकर के मैं कुछ और बात करने वाला हूँ। आपके जो जहन में गलत फहमी भरी गई है उस गलत फहमी को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। वीडियो में बने रहें, छोड़कर ना जाएँ, मेरी बात को मुख्तसर से अंदाज में सुनकर जाएँ। सबसे पहली चीज़ तो मैं नाराज़ हूँ यूट्यूबर्स से जो सोशल मीडिया पर काम करते हैं और इंतज़ार करते हैं इस तरह की कोई वीडियो मिले उसको हम आगे वायरल करें। उन बेवकूफ़ों से मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहली चीज़ तो ये, मैंने ख़ुद देखा कई लोगों की, मैंने वीडियो देख ली, मैंने इस पर बनाई नहीं थी वीडियो, मैंने आज मुझे मजबूरन इस पर बनाना पड़ रही ये वीडियो। गुस्सा सा आया मुझे देख करके, बड़ा जता जता के कह रहे हैं कि इमाम अहमद रज़ा अकेडमी की लड़की आलिमा, इमाम अहमद रज़ा अकेडमी से पढ़ी हुई लड़की, एक आलिमा लड़की ने हिंदू लड़के से शादी कर ली। बड़ा जता जता के कह रहे हैं कि उस कि कैसे टीचर थे वो, कैसे आलिम थे जो उस लड़की के दिलो दिमाग पर दीनी तालीम को मुसल्लत नहीं कर सके। आलिमा क्या उसको बयान कर रहे हैं कि वो आलिमा थी, लड़की आलिमा थी। सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बता दूं कि वो 2016 या 17 में पढ़ाई की उस लड़की ने, 2016 पूरी तहकीक की है मैंने। आप लोगों ने बिना तहकीक किए वीडियो को किसी भी वायरल ना किया करें, और इसमें तो बदनामी हो रही है हमारी, ठीक है ना। दूसरी चीज़ उस मदरसे की बदनामी हो रही है। तीसरी चीज़ आलिमा जो लड़कियां, सारी लड़कियां हैं, जितनी भी लड़कियां ख़वातीन पढ़ाई करती हैं आलिमा की, सब की बदनामी। भाई एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। सबसे पहली चीज़ तो जितनी भी लड़कियां आलिमा की पढ़ाई कर रही हैं, मदरसों में पढ़ती हैं, वो सारी की सारी लड़की बदनाम हो रही हैं इस चीज़ से। हर इंसान कोई भी जिस तरह इज्जत से देखते हैं ना, कोई लड़कियां बुरखे में नकाब में जाया करती हैं, उनके नाखून भी नहीं दिखता है, हमने देखा है, नाखून तक नहीं दिखते इतने पर्दे में, इतने अच्छे तरीके से हिजाब करके जाती हैं वो, तो जितनी इज्जत से उनको देखा जाता है ना, तो इस तरीके के अगर ये मामले अगर सामने आएंगे तो उनको नफरत से देखा जाएगा, कहेंगे बड़ा भारी पर्दे में जा रही हैं लेकिन अंदर से कुछ हो रही हैं इस तरीके से। लेकिन इस चीज़ की तहकीक करके फिर आगे बढ़ाया करें, वो वीडियो, वो आलिमा नहीं है, उसको ऐन भी नहीं आता आलिमा का ऐन भी नहीं आता उसको। उसने इब्तदाई पढ़ाई की 2016 या 17 में, इब्तदाई यानी कि अलिफ बा ता सा, हो सकता है कुरान पढ़ लिया हो, लेकिन मुझे नहीं लगता, इसकी शक्ल दिख रही है आपको, हो सकता है कुरान पढ़ लिया हो, वरना मुझे तो नहीं लगता। दूसरी चीज़ ये, इसने जब पढ़ाई की तो वो मदरसे के अंदर, ये वो लड़की नहीं है जो मदरसे में रह करके पढ़ाई किया करती हैं, मदरसे के अंदर रह करके, ये वो लड़की है जो 2 से 4 घंटे के लिए मदरसे पढ़ने जाया करती थी, और वो जिस लड़के से इन्हें शादी की है उसी के मोहल्ले का रहने वाला, उसकी बस्ती का रहने वाला, ये सौले नगर रहने वाला है ये, और मदरसे में ये पढ़ने जाया करती थी। अब किसी की जिम्मेदारी, मदरसे वालों की जिम्मेदारी नहीं है, रास्ता में इसको घर तक छोड़ के आए और घर तक लेके आए, ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये, इस चीज़ को बदनाम नहीं किए ना किया जाए कि ये आलिमा है, आलिमा नहीं है, इसको आलिमा का ऐन भी नहीं आता है, और आलिमा लड़की सारी लड़कियों को बदनाम की, सारी लड़कियों को बदनाम ना करें, एक आलिमा को बदनाम, एक आलिमा लड़की को इस तरह से बोल के सारी आलिमा जितनी भी लड़कियाँ आलिमा की पढ़ाई करती हैं सब बदनाम हो रही हैं इसमें। कई सारे मैंने चैनल पर वीडियो देखी, कई वीडियो देखी ऐसी, बड़ा अफसोस जता रहे हैं, बड़ा अफसोस जता रहे हैं कि बड़ा अफसोस है कि आलिमा इमाम अहमद रज़ा अकेडमी की लड़की तालिबे इल्म, और वहाँ उसने हिंदू लड़के से क्या कर रहे थे वो आलिम, उनके टीचर क्या पढ़ाया उन्होंने उसके लिए, उस लड़की के दिले दिमाग पर उसको मुसल्लत नहीं किया उसकी पढ़ाई को, उस तरीके की बातें कर रहे हैं। मैंने अभी देखी वीडियो, मैंने कहा अभी बनाऊंगा इस पर वीडियो, में ज़्यादा जुमले आते नहीं है मुझे बोलना, लेकिन अपने सादे अंदाज में जो मुझे बोलना होता है मैं बोल देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग मुझे पसंद भी करते, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैं। रोज़ाना कुछ ना कुछ बताता हूँ, आप सुनने के लिए तैयार भी रहते हैं, बहुत सारी कमेंट आती है मेरे पास, कहते हैं कि हजरत हम दिल से सलाम, आज भी कमेंट आई कह रहे हैं हजरत आपको दिल से सलाम है, मैं बहुत पसंद करता हूँ आपकी, अक्सर के कमेंट आया करती हैं। लिहाजा मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी सोशल मीडिया पर ये जो यूट्यूब चैनल चलाने वाले हैं, इस्लामिक चैनल वाले हैं, वो इसको पहले तहकीक किया करें, फिर वीडियो को आगे बढ़ाया करें। इस तरीके से कि आलिमा लड़की थी, उसकी शक्ल लग रही है, उसकी उम्र भी तो हो यार, 17 साल की भी नहीं है हुई है अभी, वो अभी तो वालिग भी नहीं हुई है लड़की वो। लिहाजा आप जानते हैं कि रोज़ाना अपनी वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ नया अपडेट लेकर के आया करता हूँ मैं, कुछ ना कुछ इसलाह करने की कोशिश करता हूँ मैं, कुछ ना कुछ दीनी पैगाम लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ, उसके साथ साथ दो इस्लामिक सवाल मैं किया करता हूँ आप लोगों से।
कल जो दो मैंने इस्लामिक सवाल किए थे उन सवालों के जो जवाब आप लोगों ने दिए हैं तो मैं आप लोगों के नाम भी लेने वाला हूं, और उसके बाद में दो सवाल मैं आज आपसे और करूंगा, उन दोनों सवालों के जवाब भी देने वाला हूं। लिहाजा पहले मैं नाम लेता हूं लोगों जिन लोगों ने कल के सवालों के जवाब दिए हैं। अच्छा, सबसे पहले एक चीज़ और मैं बता दूँ, कई लोग मेरे पास कमेंट करते हैं वीडियो पर कि हज़रत आप अपना नंबर दे दें, आपसे मुलाकात आपसे बात करनी है, कुछ अर्जेंट बात करनी है। अगर मैंने कमेंट में नंबर डाल दिया अपना तो बताइए कितने फ़ोन आएंगे मेरे पास रोज़ाना, 20-30 हज़ार हर लोग मेरी हर वीडियो लोग देखते हैं। अब 20-30 हज़ार लोगों में से 10 हज़ार लोगों ने अगर मेरा नंबर ले लिया उसमें से, तो मैं कहाँ तक फ़ोन उठाऊँगा। मुझसे अगर ज़रूरी अर्जेंट बात करनी है आपको तो मुझे इंस्टाग्राम पर मुझसे रब्ता करें, मारूफ रज़ा खान 0786 यूज़र नेम है मेरे इंस्टाग्राम की आईडी का, मारूफ रज़ा खान 0786। मुझे मुझसे अगर रब्ता करें तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, वहाँ पर मुझसे कॉन्टेक्ट करें। लिहाजा जो कमेंट आई है आज मेरे पास, फलक फारिया की कमेंट है, मोहम्मद रज़ा भाई की कमेंट है, मोहम्मद कलीम जद्दा सऊदी अरब से, इन्होंने दोनों जवाब दिए हैं, नियाज अहमद भाई हैं, नाजिम खान हैं, तौसीफ रज़ा मुस्तफ़ाई ने दोनों जवाब दिए हैं, मोहम्मद मुदस्सर भाई हैं, नासिर हुसैन हैं, मोहम्मद गुफरान भाई हैं, आमिर खान हैं, आशिक रज़ा हनफी बरेली शरीफ से दोनों जवाब दिए हैं, मोहम्मद रियाज साइफनी रामपुर से हैं, मुहिबुल हुसैन हैं, वासिफ खान बरेली से दोनों जवाब दिए हैं, शाजिया अलवी संभल से दोनों जवाब दिए हैं, मुमताज़ बानो की कमेंट है, सबा सिद्दीकी कह रही है हमारी पूरी फैमिली आपकी वीडियो देखती है, सबा सिद्दीकी अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके घर वालों को सलामत रखे, बहुत बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। मोहम्मद अली अकबर भाई पाड़म से दोनों जवाब दिए हैं, सलमान मलिक आगरा से दोनों जवाब दिए हैं, मुस्कान खान के दोनों ने दोनों जवाब दिए हैं, मोहम्मद परवेज भाई बिहार से हैं दोनों जवाब दिए हैं, फिरोज मियाँ रहमान है, मिसबा खातून कह रही हैं इंतज़ार करती हूँ 10 मिनट पहले आपका की वीडियो देखने के लिए, अपने हाथ में मोबाइल लेकर बैठ जाती हूँ, अभी तक मैंने किसी की वीडियो आने का इंतज़ार नहीं किया, जजाकल्ला बहुत बहुत शुक्रिया मेरे अजीज़ों, बहुत बहुत शुक्रिया। और अरमान रज़ा कह रहे हैं, हाँ अरमान रज़ा सिवन बिहार से कमेंट आई इनकी, मुबीन खानम पंजाब से दोनों ने जवाब दिए बहन ने, सादिक शेख कभी हमारा भी नाम ले लिया करो, दोनों जवाब दिए इन्होंने, सादिक शेख कभी हमारा भी नाम ले लिया करो, आज सादिक भाई आपका नाम आ गया है, सादिक शेख साहब आपका नाम आ गया, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके घर वालों को सलामत रखे। इस्लाम मलिक भाई ने मुरादाबाद से जवाब दिया है, कमेंट आई इनकी, महजबी फातिमा यूपी से दुआ की दरख्वास्त की है, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह आपको दीनी दुनियावी दौलत से मालामाल फरमाए। फिरोज़ अख्तर भाई ने दोनों जवाब दिए हैं, जाकिर हुसैन भाई ने दोनों जवाब दिए हैं, अंजुम अंसारी ने दोनों जवाब दिए हैं, मोहम्मद जुबैर आलम जिला कुशीनगर यूपी से, शाह जमाल खान सऊदी अरब से दोनों जवाब दिए हैं, थोड़े से नाम और रह गए अभी। और ये हमारे भाई और बहन हमारे खलेर भाई हैं, जोएब रज़ा तोहीद रज़ा राहीन पर फातिमा बरेली शरीफ से, बड़ा इंतज़ार रहता है इन लोगों को, मैं इनका नाम लूँ, बच्चों का छोटे छोटे बच्चे हैं ये, मैं सोचना कि बहुत मतलब बड़े बड़े हैं ये बच्चे हैं, छोटे छोटे हमारी सबसे छोटी खाला उनके बच्चे हैं ये, जोएब रज़ा उसके बाद राहीन फातिमा उसके बाद तोहीद रज़ा, तीन बहन भाई हैं हमारे खलेरे खाला के बेटी बेटे हैं ये, बरेली से हैं, इनका नाम मैंने लिया, बड़ा खुश होते होंगे, मुस्कुराते होंगे माशाल्लाह मुझे मालूम है। मोहम्मद अयूब भाई हैं, मोहम्मद अयूब गौरी राजस्थान से हैं, और कह रहे अच्छी वीडियो बनाते हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया अयूब भाई। मोहम्मद उमर रज़ा कह रहे हैं कि अपलोड करके रख लेता हूँ आपकी वीडियो, बाद में देखता हूँ, अपलोड ना किया करें वीडियो को यार, उसमें ऐसे देखा करें, डाउनलोड ना किया करें, वैसे ही देखा करें, नाम बाद में निकाल लिया करें, मारूफ रज़ा खान बोल करके मोबाइल में आ जाएगी हमारी वीडियो। बाकी एक कमेंट है, डॉक्टर ज़ियाउल नबी दुआ की दरख्वास्त की है, रामपुर से हैं भाई, अल्लाह सलामत रखे डॉक्टर साहब आपको, आप भी हमारे लिए दुआ करें। नासिर अली मिसबाही कह रहे हैं 6-7 महीने से मैं देख रहा हूँ, मेरा नाम नहीं आया, आप मैं लवेदा से हूँ, नासिर अली भाई आज आपका नाम आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह आगे भी कोशिश करेंगे आपका नाम लेने की। सलमान अहमद गोरखपुर से है, नुजरत फातिमा ने दोनों जवाब दिए हैं, खुर्शीद भाई मेरे घर बेटी की विलादत हुई है, अल्लाह आपकी बेटी को नेक सालेह बनाए, अल्लाह आपकी बच्चों की उम्र में बरकत अता फरमाए, नेक बनाए। लियाकत अली भाई चौधरी कह रहे हैं, लियाकत अली भाई चौधरी की कमेंट है, अलीशा महबूब गोंडा यूपी से है, दोनों जवाब दिए हैं, नाहिद परवीन की कमेंट है, अनम सिद्दीकी ने दोनों जवाब दिए हैं। अच्छा एक भाई कमेंट कर रहा है कि रात में मैं सांप देखता हूँ सोते में, आप जवाब देते मेरे, देखिए सांप देखने की ताबीर उलमा बयान फरमाते हैं, रात में सोते में अगर सांप देखा किसी ने और उसका सांप पीछा कर रहा है, शायद उलमा ने बयान फरमाया, मैं तो कोई ताबीर नहीं देखता हूँ लेकिन जो मैंने सुना उलमा से, सांप अगर बंदा सोते में ख्वाब में देखता है और उस सांप वो उसका पीछा कर रहा है तो वो समझिए उसके पीछे कोई दुश्मन पड़ा हुआ उसका, और उसने उस सांप को मार दिया है तो समझिए कि उसने फतेह हासिल की है, उस दुश्मन को हरा दिया है उसने, इस उलमा बयान फरमाते हैं इसकी ताबीर जो बंदे सांप को देखते हैं। बाकी अब्दुल रशीद भाई की कमेंट है, और ये इन चंद लोगों के मैंने नाम लिखे थे, नाम दे दिए हैं। अच्छा कल जो दो सवाल मैंने किए थे, वो सवाल मैंने ये किया था पहला कि दो कौन सी वो दो आवाज़ें हैं जिन पर अल्लाह तबारक व ताला की लानत है, अल्लाह ताला को नफरत है उन दो आवाज़ों से, अक्सर भाइयों बहनों ने हमारे जवाब दिए हैं। वो दो आवाज़ें हैं, सबसे पहली आवाज़ जो गम में
दुख में परेशानी में जोर से रोता चीख करके, खास करके किसी के इंतकाल पर जोर जोर से बयान नहीं करती हैं औरतें, जोर से चीख के रोते हैं, जो सब्र नहीं करते हैं, अल्लाह ताला को बड़ी नफरत है उस जोर से रोने वाले उस आवाज़ से। दूसरा, गाने तमाशा वगैरह, ये गाने आने की आवाज़ से नफरत है अल्लाह ताला को, लानत है अल्लाह ताला की। अल्लाह अकबर, अल्लाह हमें समझ अता फरमाए, इन चीज़ों से बचने की तौफीक अता फरमाए। बाकी दूसरा सवाल मैंने किया था, जनाजे की नमाज में कितने फ़राइज़ हैं। फ़राइज़ जो हैं जनाजे की नमाज में, सबसे पहले चीज़ तो खड़ा होना, क़याम, खड़ा होना फ़र्ज़ है जनाजे की नमाज में, खड़े होकर ही पढ़ी जाती है। दूसरी चीज़, एक तकबीर तहरीम, अल्लाह अकबर, जो कानों तक हाथ लेकर जाते हैं, वो फ़र्ज़ है। जनाजे की नमाज में दो फ़राइज़ हैं। आज मैं दो सवाल आपसे और करने वाला हूँ। हुसैन, इमाम हुसैन के कान में अजान कितने पड़ी थी? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कान में, उनकी विलादत के बाद इमाम हुसैन के कान में अजान किसने पड़ी थी? दूसरा सवाल है, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जब विलादत हुई तो इमाम हुसैन के मुँह में क्या, उनको क्या खिलाया गया था, उनके मुँह में क्या डाला गया था, खाने पीने का जो था क्या दिया गया था, दूध या शहद या क्या था, तीसरी कोई चीज़ भी हो सकती है। ये दो सवाल मैंने आज आपसे किए हैं, दोनों सवालों के जवाब आप कमेंट के जरिए मुझ तक पहुँचाएं, नहीं तो इंशाल्लाह कल की वीडियो में दोनों सवालों के जवाब मैं आप तक पहुँचा दूंगा, और जो जवाब देंगे उन भाइयों के नाम भी कल आएंगे इंशाल्लाह। लिहाजा मेरी अल्लाह की बारगाह में दुआ है, हमारा आपको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से बचकर सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज्जत आबरू की जान और माल की हिफाजत फरमाए, जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमाए, जो बेकसूर मुसलमान जेलों में कैद हैं उनको बेइज्जत रिहाई अता फरमाए, जो रोज़गार से परेशान हैं उनके रोज़ी रोज़गार में, कारोबार में, खेतों खलियान में, दुकानों मकान में खूब खूब खैर बरकतों का नुज़ूल अता फरमाए, जो बे औलाद हैं उनको नेक सालेह औलाद अता फरमाए, जो साहिब औलाद हैं उनकी औलादों को नेक सालेह बनाए, जिन लोगों ने भी दुआ की दरख्वास्त की है उन सब की जुमला परेशानियों को अल्लाह तबारक व तआला दूर फरमाए, जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमाए। अभी जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हम सब के अज़ीज़ व अक़ारिब, हम में से कोई भी अगर बीमार है, कोई भी अगर किसी भी मर्ज़ में मुब्तला है, हम सब के अज़ीज़ व अक़ारिब, मुहब्बीन, मुतअल्लिक़ीन, अहबाब सबको जुमला अमराज से शिफा याबी अता फरमाए, खुसूसियत के साथ फ़लस्तीन के मुसलमानों की ग़ैब से मदद फरमाए, जो शहीद हो चुके हैं उनकी बख्शिश व मग़फ़रत फरमाए, उनको जन्नत में आला से आला मकाम नसीब फरमाए, उनके घर वालों को सब्र अता फरमाए, सब्र जमील पर अजर अज़ीम अता फरमाए। आका के सदक़े में मेरी दुआओं को अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।